नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज, जहां मैं आप सभी के बीच लौट आई हूं एक बार फिर से इस स्पेशल प्रोग्राम बिग बी स्पेशल को लेकर। दोस्तों, हमेशा से बात होती रही है हिंदी फिल्म जगत की, जब भी तो नाम इसमें शुमार होता रहा है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिग्गज अभिनेत्री, साथ साथ में बॉलीवुड के तमाम मंझे हुए कलाकारों का। बात चाहे किसी सिंगर की हो या फिर बात चाहे पर्दे के कलाकारों की हो, बात चाहे पर्दे के पीछे के कलाकारों की हो या फिर कलाकारों के करीबियों की हो, हर बात में नाम सितारों के दुख और सुख का होता रहा है। आज हम आप सभी के बीच एक बार फिर से बिग बी यानी कि 76 साल के हो चुके अमिताभ बच्चन को लेकर खास खबर लेकर आए हैं, जिससे हम आपको रूबरू तो कराएंगे ही, साथ में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों अमिताभ बच्चन लगातार ही अपनी आंखों के आंसू को बहाने से रोक रहे हैं। 76 की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में अमिताभ बच्चन अकेलापन का सामना करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनसे नहीं सहा जाता है, नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं अमिताभ बच्चन अकेलापन। ये बात जाहिर होती है ट्विटर पर उनके पोस्ट के जरिए, जो सोशल मीडिया पर अपने मिलियन फॉलोअर्स से, फैन से ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा क्यों जुड़े रहते हैं अपने फैंस के साथ। जब भी वो अकेलापन का सामना करते हैं, वो अपनी दर्द भरी बातों से फैंस को भी नाखुश कर देते हैं, फैंस भी भाव विभोर हो जाते हैं अमिताभ की बातें सुनकर। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, मैं आपकी दोस्त तृप्ति बताऊंगी आपको बीजॉन की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कौन सा ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद लोगों की भी आंखें भर आए। जी हाँ, मातृ दिवस के मौके पर, मदर्स डे के मौके पर अमिताभ ने अपनी माँ को याद किया, जिन्होंने सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तेजी बच्चन की याद में अमिताभ बच्चन कितने दुखी नजर आए, जो हाल ही में अपनी फिल्म 102 नॉट आउट की कामयाबी को होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी काफी भाव विभोर हो गए थे परिवार की बात पर। बताया था उन्होंने कि उनके परिवार वालों ने तो फिल्म को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मैडम यानी कि जया बच्चन काफी खुश हुई फिल्म को देखकर। फिल्म में अमिताभ बुजुर्ग का किरदार निभा रहे थे, 102 साल के ऐसे बुजुर्ग का किरदार जो जिंदगी के हर एक पल को किस तरह एंजॉय किया जाता है वो सिखाता रहा। शायद यही वजह है कि अमिताभ हर एक एक सेकंड की कीमत समझ रहे हैं और लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड्स की तरफ, जानते हैं अमिताभ बच्चन से जुड़ी खास खबरें जो उनकी आंखों के आंसू को बयां करती हैं। साथ में जानते हैं हम उनके बेटे में दिखने वाली उनकी परछाई के बारे में, किस तरह अभिषेक बच्चन भी अमिताभ की ही तरह इमोशनल हो जाते हैं जब बात माँ की होती है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के तुरंत बाद जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन ने भी एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो जया बच्चन के साथ नजर आए। जया बच्चन के लिए अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी को भी अकेला छोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं की। हम आपको ऐसी वजह बताएंगे अभिषेक बच्चन के फैसले पर जो सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जया के लाडले अमिताभ के लाडले बिल्कुल अमिताभ की ही तरह है, अपने परिवार की ही तरह है। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स। अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर फैंस के लिए अपनी माँ के होने का एहसास उनके ना होने के बाद भी दिलाया। उनकी जिंदगी में कितने खास है वो ये भी बताते हुए नजर आए, लेकिन काफी उदास लग रहे थे अमिताभ ये बताते। जी हाँ, तस्वीर में उनकी माँ उन्हें लाड प्यार कर रही है, जिसकी कमी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर तो हो ही रही है उन्हें, लेकिन अपनी आंसुओं को बहाने से नहीं रोकते नजर आए अमिताभ। जब बात माँ की होती है तो अपने नम आंखों को छुपाने की कोशिश करते हैं। सुनिए फिलहाल ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा। नास्ति मातृ समः छाया, नास्ति मातृ समः गतिः, नास्ति मातृ समः त्राण, नास्ति मातृ समः प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, और माता के समान कोई प्रिय नहीं है। मातृ दिवस के पावन अवसर पर मातृ शक्ति को नमन।
पूरी दुनिया मदर्स डे के मौके पर अपनी मां को सम्मान देने के लिए अपनी तरफ से कुछ खास करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ही तरफ बॉलीवुड के जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन को कांस के लिए छोड़ने एयरपोर्ट तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें छोड़ने के तुरंत बाद वहां से निकल गए। अभिषेक अपनी मां जया बच्चन के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर जलसा पर ठहरे रहे अभिषेक, जिसे लेकर खबर आ रही थी आखिर क्यों कार से बाहर भी नहीं निकले अभिषेक बच्चन, जिन्होंने एक पोस्ट मां के साथ की शेयर। समझ चुके होंगे आप, हम आपको यही बताना चाहते थे कि ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि अपनी मां को लेकर हद से ज्यादा लाडले नजर आए। ऐश्वर्या के पति अभिषेक आखिर क्यों ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ कांस भी नहीं पहुंचे, फ्रांस के लिए रवाना नहीं हुए, इसके पीछे भी वजह थी उनकी मां जया बच्चन, जिन्हें इस बूढ़े उम्र में साथ देने के लिए अभिषेक ने लिया अपना बड़ा फैसला। वह उनका ये बड़प्पन था जिससे शायद ऐश्वर्या भी हमेशा प्यार जताती रही है और नाज करती रही है। जया के लिए उनका ये प्यार कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को उनसे दूर तो कर गया, लेकिन पत्नी का प्यार अब भी उन्हें मिलता ही है। अभिषेक ने खुद के माँ बाप के घर पर रहने को लेकर हाल ही में खुद को ट्रॉलिंग का शिकार भी बनाया था, लेकिन इसका जवाब उन्होंने भी दिया था, उनके पिता अमिताभ बच्चन ने भी दिया था, ये कहते हुए कि अपने माँ बाप के साथ रहना अपनी खुशकिस्मती ही है। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बारे में। ये बात अलग है कि दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बताया जाता है, लेकिन शायद ही आपने गौर किया हो कि बिग बी अपने बेटे जूनियर बच्चन से एक जैसे ही उम्मीद करते हैं। जी हाँ, वैसे ही उम्मीद करते हैं जैसा उनके बेटे उनसे उम्मीद। दोनों एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते हैं और दोनों एक दूसरे की जज्बातों को समझते हैं। हाल ही में दोनों ने अपनी माओं के लिए बेहद प्यारा पोस्ट शेयर किया था। साथ साथ में आपको बता दे, चाहे एक तरफ अमिताभ बच्चन ट्रॉल हुए थे अपने एवेंजर फिल्म को लेकर किए गए ट्वीट के जरिए, तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक और ऐश्वर्या भी उस ट्रॉल का शिकार हुए। अमिताभ बच्चन ने जब कहा कि उन्हें समझ नहीं आई ये फिल्म, तो फैंस ने उन्हें दिया जवाब वैसे ही जैसे अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी ही हमें समझ नहीं आई। अब देखना यह है कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक की शादी पर उठे सवाल पर अमिताभ किस तरह का जवाब देते हैं, जिससे अब तक यकीन नहीं होता फैंस को कि ये जोड़ी कभी इस तरह असल जिंदगी में भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, हम इससे पहले 102 नॉट आउट फिल्म की कामयाबी को लेकर हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अमिताभ बच्चन नजर आए थे अपनी पत्नी जया बच्चन को लेकर बात करते हुए। उनका कहना था कि फिल्म एवेंजर जैसी मूवीज एकाएक आती है और बीच में छोटी सी मूवी कमाल कर जाती है, घर कर जाती है, ऐसी ही मूवी है फिल्म 102 नॉट आउट। तो वहीं आपको बता दें, ये कहते हुए अपनी फिल्म की तारीफ करते अमिताभ ने ये भी बताने की कोशिश की थी कि अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन सुनने को नहीं मिला था। उनका सिर्फ कहना था सिर्फ ठीक है, मतलब ऐश्वर्या और अभिषेक जो फिल्म को स्क्रीन के दौरान पहुंचे थे उन्हें खास पसंद आई या नहीं आई फिल्म, ये बात उन्होंने अपने पिताजी यानी कि अमिताभ को बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बिग बी स्पेशल, जिसमें हमने आपको बॉलीवुड के चहेते सितारे चहेते फैमिली की जिंदगी से रूबरू कराया। बच्चन फैमिली के सदस्यों में एक नहीं कई सितारे हैं। बात करें जया बच्चन की, अमिताभ बच्चन की, अभिषेक बच्चन की, ऐश्वर्या राय बच्चन की, सभी फिल्में सितारे हैं ऐसे जो एक ही फैमिली एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन सबका एक अलग ही अंदाज है। ऐश्वर्या ने मदर्स डे पर अपनी माँ वृंदा राय अपनी बेटी आराध्या के साथ फोटो शेयर की, अभिषेक ने अपनी माँ जया बच्चन के साथ पोस्ट शेयर की, तो साथ में अमिताभ ने अपनी स्वर्गीय माँ तेजी बच्चन के साथ तस्वीर शेयर कर ये बताया कि जब उनकी माँ थी तब किस तरह उनके हर सुख दुख का, उनके हर कदमों का उनकी माँ ख्याल रखती थी, उनके फिक्र में कैसे कदम उठाया करती थी। साथ में बताया अमिताभ ने आखिर क्यों वो खुद को इस उम्र में 76 की उम्र में बेसहारा महसूस करते हैं। बताया उन्होंने कि माँ का सहारा इस दुनिया में सबसे प्रिय है, सबसे अनमोल है, सबसे कीमती है, सबसे अहम है। बताया उन्होंने कि माँ के बिना कोई भी सहारा सहारा नहीं। तो दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरती के साथ अमिताभ ने अपने दिल की बात फैंस के बीच शब्दों के जरिए बिछाकर पोस्ट में शेयर कर दी। कुछ ऐसा ही अंदाज है अमिताभ का जो करोड़ों फैंस को घर कर जाता है। लेकिन अब वक्त आ चला इस प्रोग्राम का यही अंत करने का। आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे इसी तरह बी टाउन के स्पेशल एपिसोड से जुड़ी बिग बी स्पेशल प्रोग्राम को लेकर।
जिसके लिए आप जुड़े रहिए चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। और तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।